मैं शहनाज सैयद आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तीसरी कक्षा की पुस्तक हिंदी बाल भारती में से आपका नया पाठ कृषक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, कृषक का अर्थ होता है किसान। तो आज हम इस खेत का चित्र वाचन करेंगे। देखो बच्चों, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चलिए चित्र वाचन करते हैं। देखो बच्चों, इस खेत में ये दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की का नाम खुशी है और इस लड़के का नाम आनंद है। आज ये दोनों बच्चे इस खेत की सैर करने आए हैं। अब इस खेत में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक किसान दिखाई दे रहा है जो दो अपने बैलों के साथ खेत में हल चला रहा है, और किसान के बच्चे अपनी माँ से पौधे कैसे लगाते हैं वो सीख रहे हैं, और माँ उन्हें समझा रही है। अगर हम पीछे की ओर देखेंगे तो एक तालाब है, तालाब में दो बतख तैर रहे हैं। अब इस ओर देखो बच्चों, दिखाई दिया आपको, इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में बिजुका कहते हैं और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है स्कैरक्रो। अब स्कैरक्रो क्यों लगाए जाते हैं खेत में, मैं बताती हूँ। स्कैरक्रो इसके लिए लगाए जाते हैं क्योंकि बाहर के जानवर खेत में आकर खेत की फसल को ख़राब ना करे, अनाज को खा ना ले, जिसकी वजह से किसान की सारी मेहनत व्यस्त हो जाएगी। इस वजह से ये स्कैरक्रो लगाया जाता है। अब आया समझ में? चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान लगा कर सुनो। कृषक हल चलाता है। कृषक किसान, उसके पास बैल की एक जोड़ी है। लड़का पौधा लगा रहा है, माँ समझा रही है। खेत में बिजुका है, तालाब में बत्तख है। किसान हमारा अन्नदाता है, खेत में फसल लहलहाती है। अन्नदाता का अर्थ होता है प्रोवाइडर, यानी किसान खेत में इतनी मेहनत करता है जिसकी वजह से अनाज उगते हैं और वो अनाज हमें घर बैठे आसानी से मिल जाता है। अगर किसान ना हो तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, इस वजह से उसे अन्नदाता का नाम दिया गया है। समझ में आया बच्चों? अब हम गृह कार्य करेंगे। एक बार पढ़कर बताती हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। प्रश्न एक, कठिन शब्द। कृषक, बैल, खेत, अन्नदाता, बिजुका, इन कठिन शब्दों को आपको तीन बार लिखना है। प्रश्न दो, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। कृषक का अर्थ होता है फार्मर, जैसे कि मैंने बताया था। बिजुका स्कैरक्रो, अन्नदाता प्रोवाइडर। प्रश्न तीन, एक वाक्य में उत्तर लिखो। नंबर एक, कौन हल चलाता है? उत्तर, कृषक हल चलाता है। दो, फसल कहाँ लहलहाती है? उत्तर, फसल खेत में लहलहाती है। इसको आपको अपनी कॉपी में शुद्ध लेखन में लिखना है, ठीक है बच्चों?